सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि फाइनेंसरों के जुल्म सितम को लेकर है, क्योंकि फाइनेंसरों के जुल्म सितम से तंग आकर एक गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली है। क्योंकि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम जो है अली मस्कती था, तो बहरहाल जो है अली मस्कती ने एक फाइनेंसर के पास से 30,000 रुपए खर्च लिया था, फाइनेंस लिया था, लेकिन जो है दिन पर दिन फाइनेंसर का जुल्म सितम बढ़ते जा रहा था, क्योंकि फाइनेंसर कोई पैसा वापस नहीं कर रहे थे और ना ही इसका सूद दे रहे थे, जिसकी वजह से फाइनेंसर इनके ऊपर दबाव डाल रहा था। आखिरकार जो है अली मस्कती तंग आकर बारकस के कब्रस्तान में झाड़ से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। तो आइए अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं बारकस के पास। भाई, मेरा भांजा है, ऑटो चलाता था पहली दरगाह के पास, जो सो बाबा बाजेक बोल के उनका ऑटो चलाता था। उनका पासपोर्ट, लाइसेंस और जो सो आधार कार्ड तुम जो सो लेके रख ली है, उनको फाइनेंस पे पैसे दिए। फाइनेंस पे पैसे? बाबा बाजेक कहीं के लिए दिए? उनको क्या काम था कि उन्होंने लिए? मरूम जो बोले नहीं मेरे को कहीं कैसे लिए उनको। जब 30,000 रुपये दिए थे, 30,000 से उन्होंने डबल ट्रिपल बन दिए पैसे। अब तक कब दिए थे? कितने साल हो रहा? एक साल हो रहा होगा उनको, साल भर के बाद है। साल भर में उन्होंने 30,000 रुपये लिए थे, अब तक उसके ज़्यादा पैसे बन दिए। अब जो है सो उनको परसों बात करने गए तो 70-80,000 रुपये अभी देने का है बोल रहे उन्होंने। 30,000 लेके 70-80,000 बाकी है। जब देखो, जब जो है सो फोन पुलिस स्टेशन में है, उन्होंने जो ट्रांसफरिंग करे थे 4,000-5,000 उनको जो डाल रहे थे वो फ़ोन में है उनके। और जो है सो उनको टॉर्चर करने से जो है सो बड़े बारकस के बड़े कब्रस्तान में जो है सो उन्होंने फांसी ली। कौन लिए फांसी? मेरे भांजे साहब। क्या नाम है? अली मस्कती। ऑटो चलाते थे बाबा बाजेक के पास, सुने उनके टॉर्चरा होने से पैसे दो बोल के उनका ही ऑटो दे के जो है सो उनको फाइनेंस पे पैसे दिए हुए थे। उनके वास्ते फांसी लिए बोल के वो पुलिस स्टेशन में उनके जेब से चिट्ठी लिख ली उनके नाम से। क्या नाम की चिट्ठी? मैं बाबा के टॉर्चर से जो है सो ऐसा करो सुसाइड कर रहा हूँ बोल के चिट्ठी है। पीएस में है चिट्ठी। वो कंप्लेंट करे आप लोगों के? हम कल रात में कंप्लेंट कर दिए। अब यहाँ डेड बॉडी लेने के ऐसे आए थे वहाँ से। कब का है ये? कल 4:30-4 का वाकया है। हमारे को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम ला गए तक डेड बॉडी उतार दिए थे वहाँ से। कब्रस्तान के अंदर? कब्रस्तान के अंदर तोसीन बोल के और एक कब्रस्तान है, वहाँ से सलाला को जाने की एक रोड है चक्की पहाड़ को, वो रोड पर सन्नाटा रहता जी। वो रोड पर जो है सो एक छोटा झाड़ है नीम का, वहाँ नीम के झाड़ पर उन्होंने लटके हुए मिले। शादीशुदा थे? शादीशुदा है, 11 साल हो गए उनकी शादी होके, बच्चे नहीं है उनको। सुनिए भाई, अब क्या तकरीबन एक 6-7 साल से जो है सो साल में रह रहे थे। अब यहाँ से हमारे कहीं से हटके, हमारे भोने के पास से हटके उन जो है सो बीवी को ले लेके उनके ससुराल में थे। क्या नाम है बोले फाइनेंसर का? बाबा बाजेक। इससे पहले भी कोई शिकार हुए उनके या? अल्लाह को मालूम साहब, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक तो हमको नहीं मालूम उनका। कहीं को बोले तो बच्चा भी हमारे से कम टच में रहता था, सुकून में था। ससुराल में भी गया, ससुराल से भी कोई टॉर्चर नहीं था उनको। वहाँ पर भी मियाँ बीवी सुकून में थे, समझे। यहाँ पे भी उनको हेल्प करते थे, वहाँ ससुराल वाले भी उनके साले उन्हें भी हेल्प करते थे उनको। मगर ये फाइनेंस की चक्कर में आके जो है सो उन्हें थोड़ा पीना करने भी रिंग में पड़ गए थे। उसमें जो है सो उन्हें अब उनका क्या टेम्परेचर था जब सुसाइड लिए वक्त, क्या पोजीशन था नहीं मालूम। जो है सो ऐसा हो गया उनके साथ वाकया। अब यहाँ मैं मुर्दे खाने को यहाँ पे आया, उस्मानिया हॉस्पिटल को, उनकी डेड बॉडी लेने। 8 दिन पहले ससुराल के घर को भी गए थे बाबा बाजेक, जो पैसे लेने के ऐसे इन्होंने साले से बात करे गए थे उनके। ये घर बता के मेरे से इन्होंने पैसे लिए हुए 80,000 बाकी है, पैसे दो बोल के भी उनके 30,000 मगर फिर 80,000 कैसा हो गया? वो फाइनेंस बढ़ रहा बोल के बोल रहे थे। ये हमारे जो मरूम है उनके मुंह से बोले सो है उन्होंने। पीएस में कंप्लेंट किया? पीएस में कंप्लेंट। ये चंद्रान गुट्टा पीएस है। पुलिस वालों का कैसा है? पुलिस वाले तो एक्सपर्ट दे रहे सब, पुलिस वाले सब कुछ भी नहीं करे। साथ में भी आए हुए उन्होंने तो अब सुबह में, शाम में तो थे वहाँ पे, हमला जाने का छोड़े नहीं छोड़े नहीं मालूम। अब सुबह में तो 9:30-10 के टाइम पे जो है सो उन्हों वहाँ पे मौजूद थे पीएस में, बाबा बाजेक जो पैसे देने उनका है सो उनके तरफ से। मेरा नाम बाबू खान है, मैं उनका बड़ा मामू हूँ। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा
दावत तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस दे स्कूल का इंतखाब।